फैमिली आप सभी का स्वागत करती हूँ कामयाब ऑफिशियल में। तो दोस्तों ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, खास है और इस ब्लॉग को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि हस्बैंड जी का बर्थडे है कल और कल सुबह 5 बजे ही उन्हें जाना है अपने ड्यूटी, वो अपने ऑफिस जाएंगे, वो भी काफ़ी दूर उन्हें जाना है और कल शायद वो यहाँ नहीं आ पाएंगे और बर्थडे के दिन वो मेरे साथ शायद नहीं रह पाएंगे। और जानते हैं आप लोग कि जॉब में होने के बाद लाइफ कितना ज़्यादा बिजी हो जाता है, हम अपने छोटे छोटे खुशी के पल को सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं फैमिली के साथ। और मैं भी अभी जॉब में आई हूँ तब से मेरा लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया है और कल मैं अपनी स्कूल से भी लीव नहीं ले सकती हूँ क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है अभी। और इस वजह से मैं सोची हूँ कि रात में 12 बजे हस्बैंड जी को सरप्राइज कुछ दूंगी ताकि उनका बर्थडे स्पेशल मतलब उनके लिए रहे। तो आप लोग इस मतलब पूरे ब्लॉग को देखिएगा और कैसे मैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ और मैं अपना ड्यूटी करते हुए और हस्बैंड जी भी अपना ड्यूटी जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तो सबसे पहले मैं और सृष्टि क्या दोस्तों, अभी तो मेरा केस बहुत छोटा है लेकिन इन सबको देखने के बाद मुझे सच में लगता है कि आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं ना कि मेरा बेबी 3 साल का है, 4 साल का है और पढ़ने नहीं देता है, ये मैं बिल्कुल मान सकती हूँ क्योंकि मैं अपने सामने इतने बड़े बड़े बच्चे को देख रही हूँ। इसके साथ पढ़ाई करना कभी भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो चलिए आप इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं जा रही हूँ मार्केट और क्या क्या सामान ले रही हूँ आप सबसे शेयर करेंगे। सृष्टि और मैं और सृष्टि अभी निकल रहे हैं मार्केट के लिए। तो मैं अकेले जा रही थी लेकिन सृष्टि मेरे साथ जा रही है। तो जब दो लोग होते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा मार्केट में ऐसा बोर फील नहीं होता है और अकेले में मतलब कुछ समझ नहीं आते रहता कि क्या ले क्या नहीं, और पसंद करने में भी सृष्टि हेल्प करेगी। अभी मैं अपना स्कूटी लेकर के मेन रोड पे पहले जा रही हूँ, उसके बाद सृष्टि बैठेगी क्योंकि जो मेरे रूम से आगे जो रोड है ना वो बहुत ही पतला से एकदम गली के जैसा है तो उसमें किसी को बैठा के ले जाने में मुझे भी डर लगते रहता है। और सृष्टि भी बोली कि आंटी आप मेन रोड पे चलिए उसके बाद मैं बैठूँगी। तो आ चुकी हूँ मैं यहाँ मेन रोड पे और दोस्तों पहली बार ऐसा है कि हस्बैंड जी का बर्थडे मैं 12 बजे रात में सेलिब्रेट कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले क्या था ना कि मैं उनके साथ ही हमेशा रहती थी और वो ऑफिस से आते थे तब तक मैं पूरा तैयारी करके रखती थी उनके बर्थडे का और फिर रात में हम लोग सेलिब्रेट करते थे जो कि अगले दिन। और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं उनके साथ बर्थडे के दिन नहीं रहूँगी क्योंकि उनका ऑफिस ड्यूटी अलग जगह है और मेरा ड्यूटी अलग जगह। और जॉब होने के बाद मतलब मेरी जॉब होने के बाद पहली बार हस्बैंड जी का बर्थडे मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ, नहीं तो उससे पहले हस्बैंड जी के साथ ही मैं रहती थी तो बर्थडे सेलिब्रेट करती थी और इस पल को मैं मिस नहीं करना चाह रही थी। इसलिए मैं सोची कि आज ही रात में 12 बजे हस्बैंड जी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि मॉर्निंग में वो चले जाएँगे। सामान तो हो गया काफ़ी ज़्यादा और केक मैं फ्रिज में रख ली दीदी के फ्रिज में। और यहाँ देखिए बच्चे देखिए मेरा जूता आ गया, न्यू जूता न्यू जूता है कल इसको पहन के यही चले जाऊंगी। और अभी मैं जा रही हूँ सारा सामान लेकर के डेकोरेशन। सब लोग 12 बजे तक जगे रहना, ओके ठीक है। हम अपना दोनों साथ में रहेंगे। किचन में खाना बना रही हूँ और गर्मी से मेरी हालत देख सकते हैं। और इस बदमाश को देखिए, मतलब हर वक्त आके परेशान करता है ये। और ये लाइट के साथ नहीं खेल करना, ये चार्जिंग बल्ब, जब क्योंकि मेरे किचन में इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं आया है, बाकी दोनों रूम में है तो इसलिए ये चार्जिंग बल्ब रखी हूँ, जब लाइट कटती है तो इससे काम चल जाती है। और इसको देखिए कैसे कर रहा है। बिहार में इतना ज़्यादा गर्मी है कि क्या ही बोलूँ, अब देख सकते हैं हालत, जब तक खाना बनाती हूँ क्या हाल होती है, मतलब सितंबर में इतना गर्मी कोई सोच भी नहीं सकता है, क्या ही कहें गर्मी के बारे में। ये इंतज़ार कर रहे हैं 12 बजने का, 10 बजने का, 12 बजे 10 बजे सारा गुब्बारा इसी को फुलाना पड़ेगा। यहाँ देखिए बैलून लेकर के ये प्रेम और मानव बैठ गई है
खुलाने के लिए और इस स्वेच्छा को देखिए क्या कर रही है, इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है। अभी 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी है और ये देखिए दोस्तों यहाँ पूरी तैयारियाँ हो चुकी है और 12 बजने से पहले ही सारा डेकोरेशन सब हो गया था। और उसके बाद मैं गई हस्बैंड जी को उठाने के लिए, वो तो खाना खा के सो गए थे, उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और मैं तो उनके साथ हर एक पल सेलिब्रेट करना, हमेशा उन्हें स्पेशल फील कराना चाहती रहती हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में मेरे माँ पापा के बाद एक हस्बैंड ही मेरे हैं जिनके पास मैं बहुत ही मुझे सुकून मिलता है, जो साथ रहते हैं तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। जब भी हस्बैंड जी यहाँ आते हैं ना तो मैं एकदम से निश्चिंत हो जाती हूँ, भले ही कभी कभार मैं गुस्सा में उन्हें कुछ कुछ बोल भी देती हूँ, लेकिन मैं कुछ सोच के नहीं बोलती हूँ। बट सच बताऊँ दोस्तों तो मैं दिल से बहुत ज़्यादा मानती हूँ अपने हस्बैंड को, क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा सपोर्ट किए हैं मेरा और बहुत मानते हैं वो भी मुझे। तो दोस्तों अभी रात की 12 बज रही है और केशव तो मेरा सो गया, तो ये देखिए हस्बैंड जी के लिए केक और बर्थडे सेलिब्रेट हो गया है। रात में 1 बजे के आसपास हम लोग सोए थे और फिर मॉर्निंग में मैं 4 बजे ही जग गई, क्योंकि हस्बैंड जी को सुबह 5 बजे यहाँ से ऑफिस के लिए निकलना था। और फिर मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ जो जल्दी से बन जाए, क्योंकि मेरे पास 1 ही घंटे का समय था, लेकिन मैं बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ बनाई, तब जाके मैं आज मसाला पनीर और साथ में पूड़ियाँ उनके लिए दाल फ्राई और जीरा राइस बनाई हूँ, जो कि 1 घंटे में मैं बहुत जल्दी जल्दी कोशिश करके इतना सब रेडी की हूँ ताकि हस्बैंड जी को अच्छा लगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तभी सुबह के बज रहे हैं 5 और हस्बैंड जी रेडी हो चुके हैं ऑफिस जाने के लिए। तो आज आप तो जानते हैं कि मंडे है और इन्हें काफ़ी दूर जाना है, तो ये नहीं आएंगे क्योंकि इनका काम अलग अलग जगह रहता है बिहार में, अदर अदर डिस्ट्रिक्ट में, तो इस वजह से आज तो अभी इस वीक ये यहाँ नहीं आएंगे, अब अगले संडे को आएंगे। तो लंच इनका रेडी हो गया है, अभी केशव सो रहा है, अब मैं भी जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। मेरे स्कूल जाने में तो अभी टाइम है क्योंकि अभी तो 5 बजे हैं। आज सब लोग आप हैप्पी बर्थडे विश कीजिए हस्बैंड जी को। हैप्पी बर्थडे। और आज इनका बर्थडे है, स्पेशल डे, लेकिन इन्हें ऑफिस तो जाना है और मुझे भी अपने स्कूल जाना है। तो हस्बैंड जी निकल रहे हैं अपने ऑफिस के लिए। एक बात बोलूं दोस्तों, जॉब में आने के बाद ना लाइफ इतना बिजी हो जाता है कि बहुत सारा चीज़ हम फैमिली के साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जॉब भी ज़रूरी है। और देखिए ये छोटी छोटी चीज़ों से जो खुशियाँ मिलती है ना, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा सुकून लाइफ में मिलता है जब हम अपने फैमिली के पास छोटी छोटी सी सेलिब्रेशन करते हैं। तो बाकी किसी को नहीं पता रहता है कि हमारा लाइफ कब तक है, मैं कब तक दुनिया में हूँ नहीं हूँ, तो जब भी मौका मिले अपने फैमिली को खुश करने का या उनके साथ कुछ सेलिब्रेट करने का तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और मैं भी अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई हूँ और केशव जग के बैलून देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। फिर मैं भगवान जी का पूजा की और यही मांगी कि हस्बैंड जी के चेहरे की हंसी कभी भी कम ना हो। तो दोस्तों यही था आज का ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।